सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एस हसन। सो गाइस, आज मेरे पास में लैंडमार्क का ईयरबड्स, सो आज हम इसको अनपैक करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे ये ईयरबड्स कैसा है और इसकी साउंड क्वालिटी और सारा कुछ कितने में मिलेगा, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बॉक्स के ऊपर में आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैंडमार्क योर विजन योर फोकस, और यहाँ पे आप देखें तो 20 आवर का बर्ड्स बैकअप दिखा रहा है। बेसिक मॉडल नंबर है। आप इधर देखो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर वेरिएंट दिख रहे हैं। यहाँ पे 5 कलर वेरिएंट है, मगर मेरे पास में जो ये वाइट कलर वाला है। इधर देखें तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट आपके अंदर बॉक्स में रखे हुए ईयरबड्स दिख रहे हैं, और इधर देखें तो आपको देखने को मिलेगा ऑन बोर्ड कंट्रोल, हाई क्वालिटी माइक्रोफोन, हाई फाई साउंड, सुपर बेस, क्विक कनेक्ट। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। बैक साइड में देखें तो बारकोड वगैरह है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो बॉक्स के अंदर में आपको कुछ इस तरह का ईयरबड्स देखने को मिलेगा। उसके साथ में आपको ये एक प्रीमियम टैप सी केबल आपको देखने को मिलेगा। तो ये है टैप सी केबल और ये है ईयरबड्स। चलिए बॉक्स को साइड रखते हैं, ईयरबड्स की बात करते हैं। ईयरबड्स का जो साइज़ है ना, वो काफ़ी छोटा है और काफ़ी स्मॉल साइज़ है। आप इसको आसानी से पॉकेट में रख सकते हैं और देखने में भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको टैप सी पॉड दिखेगा चार्जिंग केबल के लिए। तो ईयरबड्स जो है आपका यहाँ से ओपन होने वाला है, तो चलिए ईयरबड्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपको फ्रंट लुक जो है आपको इस तरीके से दिखने वाला है। ये आपका देखें, ये लुक आपको देखने को मिलेगा। ये फ्रंट लुक है जो आप ओपन करने के बाद में, बॉक्स ओपन करने के बाद में ये लुक दिखने वाला है। तो लुक काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग और काफ़ी प्रीमियम। मुझे इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि ये छोटी साइज़ की है और ये कहीं भी आसानी से फिक्स होकर रह सकती है। और ये जो ईयरबड्स की साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ है। ये आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। और यहाँ पे दोनों में आपको सेंसर कंट्रोल दिया हुआ है जो कि आप टच कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें माइक भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी स्मॉल साइज़ की है। साउंड क्वालिटी भी मैंने चेक किया, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी इसकी तगड़ी है। इस प्राइस में आपको जो है साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ आप इसमें आपको 20 आवर का बैटरी बैकअप भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसकी वॉइस कैंसिलेशन की। तो जो मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो ईयरबड से कनेक्ट है, और ये आप देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से फिट है। आप जितना भी मूव कर लो ये गिरेगा नहीं। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन ये कान में जो है बिल्कुल परफेक्ट ये फिट है, और ये काफ़ी अमेजिंग भी लग रहा है। तो ये अभी मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ ये आप ईयरबड से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जो भी आप मेरी वीडियो अभी ये सुन रहे हैं ये ईयरबड्स के थ्रू है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी और एयर नॉइस कैंसिलेशन कैसा है। तो गाइस, अभी मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो ये ईयरबड्स लगाकर किया था, जिसकी साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। तो साउंड क्वालिटी इसका काफ़ी बढ़िया है। और बात करें इसकी बैटरी बैकअप की, तो इसकी बैटरी बैकअप अराउंड 20 आवर का बैटरी बैकअप दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक है। और इसकी बात करें तो आप म्यूज़िक की बात करें या साउंड क्वालिटी की बात करें, तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी इसकी बिल्कुल सही है और बेस वगैरह भी बढ़िया है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो गाइस, ये प्राइस आपको 799 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस है और वैल्यू फॉर मनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।